चुनाव परिणाम वो तो गणित होता है, जिसको 200 वोट मिले हैं और दूसरे को 201 मिला है तो विजेता तो 201 वाला होने वाला है, 200 वाला नहीं होने वाला है। परिणाम का आधार तो गणित समझ सकता हूं मैं, 20वीं सदी के चुनावों के हिसाब किताब भी गणित और अंक गणित के दायरे में चले होंगे, लेकिन चाहे वो 2014 हो, 2017 हो या 2019 हो, देश के राजनीतिक विश्लेषकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने सार्वजनिक जीवन में छुआछूत को, समाज जीवन में छुआछूत को, सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगी खपा दी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनीतिक छुआछूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा होना, मार देना, उनकी हत्या होना, और दूसरी तरफ भाजपा का नाम लेते ही अनटचेबिलिटी, छुओ मत, अड़ो मत, तो बड़े खतरनाक है। हम इतने सालों से सत्ता पे आए हैं, हम विभाजनकारी वरोक्त के नहीं हैं। जो लोग अपने आप को एकता का ठेकेदार बनाते हैं, उन्होंने सिर्फ आंध्र का विभाजन किया, आज भी वहां पर शांति का माहौल नहीं बन पाया है, तेलंगाना और आंध्र। और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को लेकर के चलते हैं। हम उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना दे, दिलों में आग नहीं लगने देते। हम बिहार में से झारखंड बना दे, दिलों को चोट नहीं पहुंचाते हैं।